नमस्कार, दिव्य योग आसन की तरफ से मुंबई के निकट पीताम्बरा देवी यानी माता बगलामुखी मंदिर का निर्माण होने जा रहा है। आपसे सहयोग की अपेक्षा रखते हैं। अगर आप सहयोग करना चाहते हैं तो आप बैंक ट्रांसफर, पेटीएम या यूपीआई के द्वारा दान कर सकते हैं, और यह दान इनकम टैक्स के आयकर धारा ATG के अंतर्गत टैक्स में छूट का लाभ भी ले सकते हैं। इसके बारे में अधिक जानकारी नीचे डिस्क्रिप्शन में दी गई है। इसके अलावा मुंबई के निकट वज्रेश्वरी में 2 दिन का सम्मोहन शिविर का आयोजन होने जा रहा है। सम्मोहन एक प्रकार का मनोविज्ञान होता है। इसके द्वारा स्वयं की तथा दूसरों की मानसिक समस्याएं ठीक की जा सकती हैं। इस रोमांचक विषय को अगर आप सीखना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, वहाँ से आप फॉर्म भर सकते हैं। नमस्कार, दिव्य योगासन की तरफ से आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम अपराजिता फेतकारिणी मंत्र की चर्चा करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि यह मंत्र इतना भयानक क्यों माना जाता है, और लोग जब चारों तरफ से निराश हो जाते हैं तभी इस मंत्र का उपयोग क्यों करते हैं। फेतकारिणी मंत्र की अगर चर्चा करते हैं तो बहुत ही ये शक्तिशाली और बहुत ही गूढ़ तंत्र माना जाता है। लेकिन अपराजिता फेतकारिणी की अगर चर्चा की जाए तो इसके आगे शब्द बेकार हो जाते हैं। जब भी आप परेशान हो और परेशानी की इंतहा हो जाए तब इस मंत्र का उपयोग किया जाता है। आप धन से परेशान हैं, समस्या अत्यधिक आ जाए तब लोग इस मंत्र की चर्चा करते हैं। शत्रु परेशान कर रहे हैं और जीने नहीं दे रहे हैं तब लोग इस मंत्र का प्रयोग करते हैं। किसी भी तरह की विपत्ति में हों आप और आगे आपके पास कोई राह ना हो, रास्ता ना हो, तो लोग इस मंत्र की चर्चा करते हैं। ऐसा नहीं कि दूसरे मंत्र नहीं हैं। धूमावती बहुत ही प्रचंड शक्तिशाली देवी मानी जाती हैं इन सब कामों के लिए, कि जब कोई उपाय नहीं बचता तब एक ही उपाय बचता है, वहां पर धूमावती। लेकिन धूमावती की बात करें तो इनको सिर्फ रविवार के दिन ही साधना की जा सकती है। इसलिए आज हम अपराजिता फेतकारिणी की चर्चा करने जा रहे हैं। हर व्यक्ति जो किसी भी तरह से समाज के द्वारा सताया गया हो, परेशान किया जा रहा हो, चाहे वो आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से, पारिवारिक रूप से, धन के रूप से, बीमारियों के रूप से वो व्यक्ति परेशान हो, ऐसे लोगों को इस तरह का प्रयोग अपने जीवन में करके अनुभव करना ही चाहिए कि ये ऐसा क्या होता है कि लोग इतना इसका बड़ा नाम है। अपराजिता यानी जो कभी अपराजित नहीं होती, हारती नहीं, यानी जीतना ही उसका स्वभाव है, और वो भी फेतकारिणी तंत्र के द्वारा। तो अपराजिता फेतकारिणी देखा जाए तो बहुत ही अचूक शक्तिशाली प्रयोग हो जाता है। इस मंत्र का अभ्यास करना है तो ढीले ढाले वस्त्र पहनकर किसी भी शांत कमरे में आप बैठ जाइए। जमीन पर नहीं बैठ सकते हैं तो किसी कुर्सी पर या सोफा पर आप बैठ जाएं। दोनों आंखों के बीच में ध्यान देते हुए इस जगह को थोड़ा सा पिंच करें और सुकरी मुद्रा यानी तांत्रुक्त मुद्रा लगा लें। ये तांत्रुक्त मुद्रा क्या है, सुकरी मुद्रा क्या है, ये जानने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, वहां से आप जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। ये मुद्रा लगा लें। ये मुद्रा लगाने के बाद 10 बार सामान्य प्राणायाम करें, यानी जोर से सांस खींचें, जितनी देर तक हो सके रोक कर रखें, फिर धीरे से छोड़ें। इस तरीके से 10 बार सामान्य प्राणायाम करना है। इसके बाद अपराजिता फेतकारिणी मंत्र ह्लीं फूं ह्लीं, ह्लीं फूं ह्लीं, ह्लीं फूं ह्लीं, ये एक अपराजिता फेतकारिणी बीज मंत्र माना जाता है। इसमें ओम नहीं लगाया जाता। ये 3 अक्षर का बीज मंत्र होता है, ह्लीं फूं ह्लीं। बहुत ही शक्तिशाली मंत्र बन जाता है ये, और इस बीज मंत्र का नियमित रूप से आपको जाप करना चाहिए, और ये 21 माला 21 दिन इस मंत्र का जाप करें। 21 माला 21 दिन इस मंत्र का जाप करें। ये आपके जीवन में आने वाली सभी प्रकार की जो कठिनाइयां हैं, अड़चने हैं, समस्याएं हैं, निर्धनता है, गरीबी है, विघ्न है, इनको दूर करने में आपकी बहुत ज़्यादा मदद करता है, क्योंकि ये आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बहुत तेज़ी से बढ़ा देता है।
यानी आपके अंदर जबरदस्त कर्म करने की शक्ति बढ़ जाती है। और जिस व्यक्ति के अंदर कर्म करने की शक्ति बढ़ती है, वो जीवन का कोई भी कार्य, कितना भी असाध्य कार्य हो, वो सफल कर सकता है, उसमें सफलता प्राप्त कर सकता है। तो ये मंत्र का उपयोग, इस बीज मंत्र का उपयोग तभी करते हैं जब आप चारों तरफ से निराश हों। सिर्फ चेक करने के लिए कि देखते हैं इस मंत्र का प्रभाव होता है कि नहीं होता है, ऐसा जानने के लिए इस मंत्र का उपयोग न करें। जब आप सचमुच परेशान हों, कहते हैं ना जिंदगी से हम तंग आ गए हों, तब इस तरह के मंत्रों का, इस तरह के बीज मंत्र का उपयोग आप करें। आसान है, लेकिन नियम यही है कि जब जरूरत हो तभी इस बीज मंत्र का उपाय करें। 21 माला 21 दिन 22वें दिन किसी को फल या भोजन का दान कर दें। इस मंत्र को किसी भी शनिवार, अमावस्या, ग्रहण, होली, दिवाली के दिन से शुरू किया जा सकता है। सूरज डूबने के बाद इस मंत्र का प्रभाव तेजी से बढ़ जाता है, इसलिए सूरज डूबने के बाद इस मंत्र का अभ्यास करेंगे तो ज्यादा लाभ मिलेगा। इस मंत्र को किसी भी माला से मंत्र का जाप कर सकते हैं, लेकिन अगर वो रुद्राक्ष की माला हो, हकीक की माला हो और मूंगा की माला हो तो उत्तम होगा। आइए जानते हैं इसके कुछ विशेष प्रकार के नियम। अपनी पूरी श्रद्धा बनाए रखें। इस मंत्र को गृहस्थ सन्यासी कोई भी जप कर सकता है। इस मंत्र से शरीर में अत्यधिक गर्मी पैदा होती है, इसलिए ढीले ढाले वस्त्र पहनकर अभ्यास करें। महिलाओं को सम्मान दें। पति पत्नी अगर इस मंत्र का अभ्यास करें तो 10 गुना ज्यादा लाभ मिलेगा। अगर आप नौकरी कर रहे हैं, बेरोजगार हैं या विद्यार्थी हैं, गृहिणी हैं, तो इस मंत्र को पूर्व दिशा की तरफ मुंह करके जपें। अगर आप व्यापार कर रहे हैं, कला के क्षेत्र में हैं, तो इस मंत्र को पश्चिम दिशा की तरफ मुंह करके जपें। अगर आप लॉटरी, सट्टा, शेयर मार्केट से जुड़े हैं या बैंकिंग क्षेत्र, मेडिकल क्षेत्र, होटल के व्यवसाय के क्षेत्र में हैं, तो इस मंत्र को उत्तर दिशा की तरफ मुंह करके जपना चाहिए। अगर आप जमीन खरीदने बेचने का कार्य करते हैं, खेती का कार्य, लोहा, कोयला, चमड़ा तथा तेल के क्षेत्र में, या कोई ऐसा कार्य करते हैं या कोई ऐसा क्षेत्र जिसमें ब्रोकरेज या दलाली लेनी पड़ती हो या देनी पड़ती हो, तो इस मंत्र को दक्षिण दिशा की तरफ मुंह करके जपना चाहिए। इस मंत्र का जाप 18 वर्ष के ऊपर कोई भी स्त्री पुरुष कर सकता है। याद रखें, जब भी आप कोई अच्छे कार्य की शुरुआत करते हैं या संकल्प करते हैं, तुरंत कोई न कोई अड़चने आनी शुरू हो जाती है, इसलिए प्रबल संकल्प के साथ अभ्यास करें। इस मंत्र का जाप सूर्यास्त के बाद करना चाहिए। धूम्रपान, मद्यपान, व्यसन, मांसाहार से बचें। ब्रह्मचर्य का सख्ती से पालन करें। मासिक धर्म की समस्या में महिलाएं 3 से 5 दिन का गैप करके फिर आगे कंटिन्यू कर सकती हैं। अभ्यास समाप्त होने के बाद अश्विनी या वज्रुली मुद्रा अवश्य अपनाएं। यह मुद्रा आपको ब्रह्मचर्य का पालन करने में मदद करती है। अश्विनी या वज्रुली मुद्रा क्या है यह जानने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, वहां से जानकारी आप प्राप्त कर सकते हैं। आशा है आप अपने जीवन में हमेशा खुश रहेंगे।